अबे शंकी, हाँ कर दू खेल आज? हाँ कर दे, सबका नाश तू ही कर दे। और एक काम कर लिए, बोल आज तुम मुझे रोकी ना? मैं कहा रोकू, तू खुद ही भाग जा। साले बदमाश हूँ मैं डरू? साला बेइज्जती कर रहा, चल दुकान में। ओए नमकीन दे रहा। अबे खोल ले मत ना, न्यू इधर दे। हाँ। पैसे उस्ताद से पैसे मांग रहा, बता रहे से उस्ताद पे ना है फुट्टी घोड़ी भी, उस्ताद तो भी मंगा। ओह नो, साले बदमाश को भीख मंगा बता रहा। मेरा खौफ बता, खौफ कितना? खौफ तो इतना है, गांव का कुत्ता भी ना डरता। कुत्ता इतना डरता, एक एक आदमी डरा है। समझ गया ना? चल मुझे ना बता, मेरे पैसे दो। साले पैसे मांग रहा। पैसे दो। है तुझे भी दे क्या पैसे? हाँ ले ना। अरे तेरा हाथ कहाँ गया यू? अरे गया, क्या जाना था। मैंने तुझे पहले कही कि बदमाशी काम ठीक ना है। अरे उस्ताद जी, बहुत कैड़ा काम है, माँ की कसम। कैड़ा भी और बहुत दर्दनाक भी है भाई। वो दुकान वाले ने मेरे को गला पकड़ के उठाया ना, एक बार के लिए तो मुझे लगा वही यमराज है भाई। मुझे तो लगा मेरे प्राण भाई निकलने वाले हैं बस। भैया एक बात मैं भी बताऊं, दो बार का तो मुझे पता चला ना, और जो तीसरी बार पटका ना उन्होंने उठा के, मेरी आंख निकल गई। मतलब तेरे से भी कुछ ना होने का? घाट में जा, वो छोड़, इतना पिटले कुछ कुआ पिया तो दे अब। अरे मेरे ससुरे, इतना पिटने के बाद भी तू अभी भूखा, अभी पेट ना भरा तेरा ना। अब तो इसका एक इलाज है, क्या? दारू, जो दर्द दारू से जाता है वो तू वही पिया दे। आजा बैठ, ला फोन दे अपना। हाँ ये ले, अभी ऊपर से लान चोरी का 3,000 रुपए का। अब एक काम कर ले, इसे गिरवी धर के एक बोतल ले आ। गिरवी? हाँ। कैसे बात कर रहा है तू? मेरी सेटिंग का फोन आएगा, वो कौन देखेगा? अरे तो ससुरे से बात ही तो करनी है, ठेके वाला कर लेगा जा। उस्ताद जी, तू टेंशन मत ले लिया। कड़ा काम है भाई, बहुत धुनाई हुई। राम राम। अरे मेरा ससुरा, पता ना कितनी देर में आऊंगा दारू लेके, बहुत दर्द हो रहा यार। कहाँ रह गया ससुरा? देखूं कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जब तक एक पैक नहीं लगेगा दर्द जावे ही नहीं। पता ना ससुरा, ओह हड्डी हड्डी चीस रही है भाई। बेटे माल माल आ रहा है, इसे करूंगा बात। जी यहाँ से कोई चौपले की सवारी मिलेगी क्या? चौपले तक तो अब इस टाइम तो नहीं मिलेगी। ऐसा करो मैं चलूंगा, मेरे साथ चलना, मुझे भी चौपला ही जाना। जी आप कब जाओगे? बस एक बोतल से निमटा लूं। क्या? मेरा मतलब एक घंटे बाद चल दूंगा। जी मैं चली जाऊंगी। अच्छा वैसे किसके यहाँ जाना आप? मेरी यहाँ पे बुआ है बसंत, उनके यहाँ।
बेटे माल तो पड़ोस में जा रहा। क्या मेरा मतलब मैं बैठा रहा हूँ, मेरे यहाँ बहुत रोब है, रुक जाओ कोई मोटरसाइकिल आन दो, मुझे देख कर तो अच्छे अच्छों की फट जाए। पहचाना ना दी कैसे एरिए में नाम है हमारा, पछतावा साला बाद में। दूसरा देखूं महाराज को वो कैसे ना रुकेगा। रोक ले भाई, रोक दे। क्या बात है? ओए इसे मैडम को चोपड़े तक छोड़ दे। क्यों तेरे आप का नौकर हूँ क्या मैं? क्या मजाक कर रहा है मेरा पलट के, ये समझ रहा नहीं है बात को भैया। ये मेरे को स्कूटी खड़ी कर, मेरे को भीतर आ मैं समझाऊंगा, मेरे को मेरे को अभी आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही आदमी है। अरे एक बात दिमाग में नहीं, मैडम कोई छोड़ दे तो ना छोड़ रहा, जाने तो मुझे पकड़ के फेंक। हेलो भाई प्यार से तो बता सके थोड़ी सी, तो तू प्यार से समझा मेरी बात। चल अब, अरे कंधे बात है कोई दिक्कत ना। हाँ हंस ठीक है ठीक है, पहले ही बता देते बैठ बैठ। अरे ध्यान से छोड़ दिया अपना सामान है, बैठ ठीक है बाय बाय। सारी शराफत की जिंदगी ना असली रूप में आना ही पड़ता है। कौन थी वो? पता ना कौन थी, पर मेरी बदमाशी की फैन थी। यूं कह रही थारे बहुत दूर दूर चर्चे सुने हमने। अरे मेरे सलमान खान नकली वाले, चल छोड़ दारू पी जा। अरे दारू पीऊं, नशा तो वही कर गई। तो तू ना पियोगा? बात पीनी तो पड़ेगी, एक घूंट तो पियाई दे। हाँ एक घूंट को मैं करूँ पीट है। गिरवी रखा, पैसे मेरे गए, अब मैं क्या पीऊंगा फिर? दर्द के आंसू नहीं आ रहे तेरे? बहुत। तो वही पी ले। चल अब घर चल रहे हैं। अब बता की बात थी। ओए होए क्या लग रही है एकदम हुर्गी परी। आए कमीन बेबी मैं आ रहा हूँ, रुक जा आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अरे चाची है के? हाँ भाई राजिंदर आ जा भाई, आ बैठ। अरे के बनाया खुशबू सी आ रही? कुछ ना बनाया, गोबर उठा कर आई हूँ, उसकी महक आ रही होएगी। हाँ अरे चाची कोई आया की आवाज सी आ रही थी। हाँ वो मेरी भतीजी आई है। कंचन चाय ले आई भैया को। अरे चाची मुझे कुछ काम याद आ गया, उसे निपटा लूं पहले, चाय फिर पियेंगे कभी। हाँ निपटा ले, पर ये उल्टे काम छोड़ दे। अरे बुरे काम आते ही छोड़ दिए मन। तू ढंग में काम कर ले तो तेरा ब्याह करवा दूं, तेरी माँ ने भी तो ये जिम्मेदारी दी थी मुझे। बस चाची तू किसी तरह कहीं से भी जुगाड़ करवाई दे, मुझे अब सपने में बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बच्चों की तो मैं लेन लगा दूंगा। हाँ? वो चाय, वो
कौन था ये? हुआ यही तो था कल जिसने बाइक रुकवाई थी। बड़ा ही बदमाश है ये तो। कहीं बदमाश ना है, अभागा है बेचारा। माँ मर गई, बाप बदमाशी करे फिर था, मारा गया, लोगों के भड़काए में आके बदमाशी करना चाह रहा है। बस की कुछ नहीं है। अच्छा, पर है तो बड़ा सुधा सा ही। ओ, तुझे बहुत वो आ रहा है? ऐसा कुछ ना हुआ, तुम तो बस मजाक किए जाओ। तो सच के कांड करना यार। मैं कुछ नहीं करना, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा घर हो, एक सुंदर बीवी हो, मेरे बच्चे हो, एक सुखी परिवार हो। मैं तो अकेलेपन ने जकड़ से लिया हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कल से अच्छा लग रहा। अरे तेरे दिमाग पे चोट लगी जब से कल से तेरी पिटाई हुई है। क्यों? क्योंकि तू बात ही ऐसी कर रहा है। अरे ना, मुझे वो कंचन से प्यार हो गया यार। कौन कंचन? अरे जो कल मिली थी, ताई बसंतों की भतीजी, सुबह देखी मैंने, बाढ़ सुखा रही थी छत पे, भाई साहब परी लग रही थी बिल्कुल। और तेरे परम पूज्य पिताजी ने जो तेरे लिए सपना रखा था बदमाशी वाला, वो तो क्या करूँ सपने का, जब पिताजी न रहा तो मैं सपने का क्या करूंगा, कहे का सपना। तो दारू का तो कुछ कर ले अब। नहीं भाई, मैंने आज तक सब छोड़ दिया। अरे यार, तू खुद को पागल खाने में दिखा ले उस्ताद। हाँ, मेरा हकीम बैठा करो, मैं जाऊँगा। सपने दिखाते खलनायक बनने के, आज की करके इमरान हाशमी बना दिया। मेरा क्या होगा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। वे चाची हैं क्या? ना, वो तो ना है यहाँ। अब यही तो मैं चाह रहा था। के? मेरा मतलब कब तक आ जाएंगी वे? पता ना। अच्छा, जब तू इतना कह रही है तो मैं बैठ ही जाता हूँ। अच्छा, मन्ने कब कहीं बैठने को? मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ ना। अच्छा, आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ, चाय भी पियेंगे जरूर। हाँ, चाय तो पियेंगे जरूर। वैसे आप खाने का कैसे करते हो? भाई कभी खा लेते हैं, कभी ना खाते, बनाने वाले की तलाश है ना। वैसे आपको बनाने वाली कैसी चाहिए? तेरे जैसी चाहिए। अच्छा, मेरे जैसी? तेरे जैसी क्यों, तू ही चाहिए जी। अरे लल्ला, आज कैसे दिन में? अरे बस ऐसी चाची। सुन, तो कल कहीं जाइए मत ना, तुझे कोई देखने वाला आ रहा है। अरे के बात है चाची, अब मैंने क्या कर दिया? तेरे ब्याह के देखने वाले आ रहे हैं। अरे मैं तो डर ही गया था। अब तू डरा मत ना, तू चाय पी। चल भाई। उस्ताद, भाभी तो कतई टंच है। अरे यार, कहाँ की भाभी, अब चाची ने मेरा कहीं और जुगाड़ कर दिया। तो जाके बात कर लेना, उसमें क्या है। नहीं यार, मैं बात नहीं कर सकता यार, मेरा घर ना बाहर, चाची का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, वो चाची ना मेरी माँ है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन चल रोटी खा ले। मैं ना खा रही, मेरा मन ना। मुझे पता है तेरा क्यों मन ना है, तू परेशान ना होवे। कल उसे देखना, तेरे पापा और तेरे भाई आ रहे हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे कई सालों से जानूं। और इससे अच्छी बात क्या रहेगी, तू मेरी आंखों के सामने रहेगी हमेशा। उस्ताद, ये पप्पी पप्पी मत करा कर, पहले बोल रहा हूँ। अपनी लेने का साले, लास्ट पप्पी ही तेरी। हाँ हाँ। और सुन लाला, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सब कंचन बना रही है। चाची, ससुराल आने से पहले इतनी फिक्र है उसे मेरी? तू उल्टी बात तो करे ना, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, मेरा भैया भी आता होएगा। बस चाची, मैं भी आया। ठीक है, निकल। छोरा था, आपने देख लिया भैया, जमीन भी 20 बीघे, कैसा लगा? छोरा भी अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, तुम्हारी पसंद से हम राजी हैं। बस एक बार अंकित आ जाए, वो अपनी बहन से बहुत लाड़ करे। जैसे आप चाची से करें? हाँ हाँ, ऐसे ही। हाँ, वैसे भाई साहब आ कब तक जाएंगे? वे दुकान का काम है, थोड़े बहुत देर में काम निपटा के आ जाएंगे। उस्ताद जी है क्या? हाँ, मैं भी आया। जल्दी जल्दी कोई बात सुनो, एक बात करूँ आपको। अच्छा भैया, मैं भी कंचन को तैयार करके ले गया।
ठीक है कंचन? हाँ पिताजी। छोरा तो पसंद है ना तुझे? पिताजी राम राम, बुआ राम राम। राम आ जा रहे हैं अंकित, बैठ ले। अरे ना बुआ, लेट हो रहा हूँ, दुकान पे जा रहे हैं। तू यहीं बुला, तुम दोनों ने देख लिया, पिताजी ने देखी, तुमने देख लिया, मैं देख लिया, बस एक नजर मार लूंगा, बुला ले तू। अरे आ जा रहे राजेंद्र। तो यूं कैसा आ गए ना? मुझे क्या पता? अरे तुझे ना पता तो धार का ढना है यहाँ। उधर मुंह पे कर लिया अंकित, तुम्हारा मुंह देखना है। अरे आज के दिन अंकित ने मेरा मुंह देख लिया तो संकट में आ जाएगा। अरे भैया मेरा मुंह देख लिया था, भूचाल आ जाएगा, भूचाल। कोई बात ना, आ जाओ, देखेंगे उसे। अंकित तो जाने ही ना। बहुत अच्छी तरीके से जानू बुआ, ये एक नंबर के लोफर हैं। चार पांच दिन पहले मेरी दुकान पे आए थे, झगड़ा किया था, ये पिटके भी गए थे मेरे से। मैं अपनी बहन को गड्ढे में ढकेल सकूं, पर इस लोफर से शादी ना करूं। मुझे ना करो ना इससे शादी करवानी। भैया इंसान के बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। तो आप भी नौरंग जैसी गलती मत करना। नेक इरादों से अच्छे कर्म करते रहो, जब बुरे कर्म सामने आ सकते हैं तो अच्छे कर्म भी सामने आएंगे, और अच्छे कर्म बस छाई देकर जाएंगे। छोटे से जीवन में एक कर्म ही है जो इंसान को अच्छा बुरा बनाते हैं।